नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन डेली ब्लॉग में। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोई बिज़नेस होता है, बिज़नेस को चलाने के लिए छोटे छोटे डेली बेसिस के जो खर्चे होते हैं उसकी पेमेंट जो की जाती है वो कैश में की जाती है। तो उसकी पेमेंट, कैश पेमेंट एंट्री हम देखेंगे आज कैसे की जाती है टैली में। वही मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके आज टैली सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे जो इन फ्यूचर की वीडियोस हैं उसकी अपडेशन जो है आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा चैनल है सुमन डेली ब्लॉग्स। यहाँ पे जो है मैं सारे अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ। आप चाहें तो इस सारे वीडियोस की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल शीट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो सारे एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं। ये रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट जो है हमने 20,000 रिसीव किया है। फिर आप यहाँ पर देखिए, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, वेजेस, कैरियर, कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अगेन पेड फॉर पोस्टेज, ऑफिस क्लीनिंग, टेलीग्राम, रजिस्टर नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस को हमें टैली में बुक करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे आपको बुक करना है। टैली ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे, जो हमने 20,000 रिसीव किया था बैंक से। तो कॉन्ट्रा कैश की जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा में होती है, जो पेमेंट की होती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा 20,000 एंड कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा 20,000। यहाँ पर आप नरेशन टाइप कर दीजिए। अब हम जो सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे बुक करते हैं वन बाय वन। कैश का लेजर आप ओपन करके देखिए, यहाँ पे 20,000 जो है कैश आपको दिखा रहा है कि आपके कैश इन हैंड जो है वो 20,000 है। यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे डेट चेंज कर, सबसे पहला जो लेजर है आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड फॉर पोस्टेज है, तो पोस्टेज का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट में एंट्री हो रही है इसलिए पेमेंट का मैं ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से LC करके आप क्रिएट कर सकते हैं। कोरियर एंड पोस्टेज का जो लेजर है मैं वहाँ यहाँ से क्रिएट करूँगी। एंड ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट हम फिल कर देंगे 1600 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। एंड कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है इसलिए यहाँ पे कैश चूज़ करेंगे। और नरेशन यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कि आप पेड किस मंथ के लिए कर रहे हैं, पेड फॉर द मंथ आप डाल दीजिए। फिर हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर Alt+A करके नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे। पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का भी जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा। प्रिंट एंड स्टेशनरी आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए प्रिंट के लिए 1000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, इसको भी आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे अमाउंट आएगी 1000 रुपीज़, कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश चूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा नरेशन, नरेशन आप टाइप करके एंट्री को सेव कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए एडवर्टीजमेंट का भी लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। LC करके एडवर्टीजमेंट चार्जेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। और ये भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, यहाँ पर स्क्रीन सेव कर लीजिए आप। यहाँ पर अमाउंट देखिए, जो एडवर्टीजमेंट की अमाउंट है 2000 है, तो 2000 हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, कैश के थ्रू हो रहा है, कैश चूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा नरेशन। नेक्स्ट एंट्री जो है वेजेस की है, तो वेजेस का भी यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। आप वेजेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, वेजेस फैक्ट्री अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर वेजेस अकाउंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। मैं बताती हूँ आपको कि क्यों ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और गोडाउन से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं, और जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। तो वेजेस अकाउंट जो है हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। यहाँ पर अमाउंट आएगी 800,
फैक्ट्री वेजेस का 800 है तो 800 हम डालेंगे। कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नरेशन। अगर आप पर डे का पे कर रहे हैं तो यहाँ पर डे और डेट अमाउंट डेट डालिए। अगर आप मंथली कर रहे हैं जो भी है आप पीरियड यहाँ पे नरेशन में फिल कर दीजिए और एंट्री को सेव कर लीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे कैरियज का, कैरियज का हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हेल्थ सी करके। मैं इसका अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ कैरियज। फ्रेट चार्जेस भी कर सकते हैं आप, ये भी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। सेव करके आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर लीजिए। अमाउंट जो है 600 है तो 600 हम अमाउंट वहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कैश के थ्रू हो रहा है, कैश सेम होगा, नरेशन आएगी यहाँ पे और एंट्री सेव कर लीजिए। इसके बाद एक और एंट्री हम कर लेते हैं कन्वेंस का। यहाँ पे कन्वेंस का भी हमें लेजर क्रिएट करना होगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, कन्वेंस चार्जेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। यहाँ पे आएगी अमाउंट, अमाउंट इसकी है 800, कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश, यहाँ पे नरेशन आएगा। देन एंट्री को आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे नरेशन में टाइप कर रही हूँ, नरेशन टाइप हो गया है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है इसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो इसका भी हम करेंगे क्रिएट, टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस लेजर क्रिएट करेंगे और ये भी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसे हम क्रिएट करके सेव कर लेंगे एंड यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। अमाउंट इसके है 3200, तो 3200 यहाँ पे कैश के थ्रू हो रहा है कैश और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, तो नरेशन आप डाल दीजिए। पेड टू मनोज, आप जिस पर्सन को पेड कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए नरेशन में। अब हम देख लेते हैं पोस्टेज का, अगेन पोस्टेज का, तो पोस्टेज का जो लेजर है ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन कोरियर एंड पोस्टेज, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी अमाउंट होगी 480 अमाउंट है तो 480 फिल कर देते हैं। कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश आएगा एंड सेम नरेशन आप यहाँ फिल कर दीजिए। नरेशन टाइप करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप एक और एंट्री देख सकते हैं ऑफिस क्लीनिंग, तो इसका हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑफिस मेंटेनेंस होता है इसका, तो ऑफिस में ऑफिस क्लीनिंग है तो ऑफिस मेंटेनेंस के अंडर में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जो लेजर है वो क्रिएट कर लेती हूँ। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ये भी आएगा। यहाँ से हम अमाउंट डाल लेते हैं, अमाउंट जो है 400 है तो 400 यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड यहाँ पे कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश और यहाँ पे आप नरेशन फिल कर दीजिए कि आप क्लीनिंग के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे सारा डिटेल में आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए टेलीग्राम आ रहा है, टेलीग्राम है तो इसके लिए देख लेते हैं। हमें लेजर जो है टेलीग्राम है तो ये भी कोरियन पोस्टेज में आएगा। कैश चूज कर लेंगे, अमाउंट फिल करके यहाँ पे नरेशन टाइप कर लेंगे और एंट्री को सेव कर लेंगे। अब देखिए अब ये आ रहा है रजिस्टर नोटिस टू लैंडलॉर्ड, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंस के अंडर में आता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चूज कर लेंगे लेजर। अमाउंट यहाँ पे फिल करके कैश के थ्रू नरेशन आप डाल दीजिए। देखिए सारी एंट्री आप यहाँ पे हो चुकी है, ये जो एक्सेल शीट में हम सारी एंट्रीज देख रहे हैं वो सारी एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी एंट्री हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है तो आप इसका चेक भी कर सकते हैं,
कैश के लेजर में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। कैश देखिए, कैश इन हैंड जो होता है उसके लेजर में आप जाके यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। सारी एंट्रीज जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है, अमाउंट के साथ शो हो रही है। देखिए आप 20,000 में कॉन्ट्रा की एंट्री की थी एंड जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमने किए थे वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक और वे है, एक और वे से आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। कोरियर अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस का आप देखना चाहें तो उस लेजर में भी आप जाके देख सकते हैं। कोरियर एंड पोस्टेज में देखिए 3 एंट्रीज दिखा रही थी, तो आप इस तरीके से लेजर वाइज भी जाके चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड इसमें हम आएंगे, एक्सपेंसेस इसमें प्रॉफिट एंड अकाउंट के अंडर में आएंगे, कैश इन हैंड में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एंटर कीजिए, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिख रही है, डेट वाइज दिख रही है और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा की एंट्री, सारे एक्सपेंसेस की एंट्री, सारा सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने जो एक्सपेंसेस है, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं डेली बेसिस के, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको आप बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया लेजर आप क्रिएट करके आप उसे कर सकते हैं एंट्री को। ये देखिए डे बुक में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर आप डे बुक में जाके चेक करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको सारी एंट्री शो करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।